नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। एक के बाद एक मुसीबत अखिलेश यादव के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका खुद का ही गढ़ उनके हाथ से निकलता जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैनपुरी सीट की, जहाँ से सांसद डिम्पल यादव के सामने अपने परिवार की विरासत को बचाना एक चुनौती बन गया है। तो क्या कुछ है पूरी खबर और कौन सी नई मुसीबतों से घिर गई है डिंपल यादव, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से मैनपुरी सीट से अपनी पत्नी डिंपल यादव को ही मैदान में उतारा है। डिंपल मौजूदा समय में भी यहां से सांसद हैं। लंबे समय से इस सीट पर सपा का ही कब्जा रहा है, लेकिन इस बार ये चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद 2022 में हुए उपचुनाव में डिंपल यादव ने यहां से चुनाव लड़ा था। इस उपचुनाव में सपा के पक्ष में जबरदस्त सहानुभूति की लहर चली और डिंपल यादव ने बीजेपी के रघुराज सिंह शाक को 2,88,461 वोटों से हरा दिया। डिंपल यादव को 6,18,120 वोट मिले, जबकि शाक को 3,29,659 वोट मिले। हालांकि इस चुनाव में कांग्रेस और बसपा ने अपने प्रत्याशी को नहीं उतारा था, लेकिन 2024 के आम चुनाव में नई मुसीबत आ गई है। बता दें कि इस चुनाव में डिंपल यादव के सामने मुश्किल ये है कि मुलायम सिंह के जाने के बाद पहली बार इस सीट पर आम चुनाव हो रहा है। उपचुनाव में उन्हें जो सहानुभूति मिली थी अब वो खत्म हो चुकी है। वहीं बीजेपी इस सीट पर सबसे मजबूत उम्मीदवार को उतारने के लिए मंथन कर रही है। हालांकि यूपी में इस बार सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन है, ऐसे में कांग्रेस का प्रत्याशी यहां से उतरेगा नहीं, लेकिन इस बार मायावती ने यहां से अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। ऐसे में इस बार की लड़ाई सीधी न होकर त्रिकोणीय हो जाएगी। बसपा के आने से सीधे सपा को ही नुकसान होगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस सीट पर 1989 से समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव ने जिसे भी लड़ाया वो हमेशा चुनाव जीता है। मुलायम सिंह यादव ने इस सीट पर पहली बार 1996 में चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। वो इसे अपनी कर्मभूमि मानते थे और यहाँ हर जाति व समुदाय के लोग भी उन्हें वोट भी करते थे। बीजेपी हमेशा से मैनपुरी सीट पर सपा को हराने की पूरी कोशिश करती आई है, लेकिन आज तक कामयाब नहीं हो पाई है। हालांकि इस बार बीजेपी ने प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बीजेपी सीट पर मजबूत रणनीति के साथ उतरेगी और बीजेपी इसमें कितनी माहिर ये किसी से छुपा नहीं है। इस खबर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।